हाय गाइस, मैं सैफ अर्जुन UK01 आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी। सॉरी उसके लिए मैं बहुत टाइम बाद आया अपने चैनल पे, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कुछ मेरी होटल की प्रॉब्लम या जॉब की प्रॉब्लम, अगर मैं अभी बेंगलोर में हूँ तो आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन 65, और उसकी रेसिपी क्या है और कैसे बनता है साउथ में और किस टाइप में बनता है साउथ में, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छा प्यार मिला पिछले मंथ, और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहे मुझे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रेसिपी क्या है उसकी। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम बनाएंगे 65 चिकन। तो चिकन 65 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साउथ इंडियन स्टाइल में बनना है तो उसके लिए साउथ इंडियन मसाला भी चाहिए। तो हम साउथ इंडियन मसाले के लिए कड़ी पत्ता यूज करेंगे, उसके अलावा आपका सरसों होल और आपका गार्लिक डालेंगे, लहसुन। ठीक है, और चिकन हम आपका बोनलेस चिकन डालेंगे, इसमें ब्रेस्ट और थाई दोनों है, और आपका चिली, रेड चिली होल। और कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, 4 से 5 आपका चिकन ब्रेस्ट, चिकन बोनलेस के पीस ले लिया हमें 4 से 5, आपका अदरक लहसुन का पेस्ट इसे मैगनेट करने के लिए, ऐसे इस तरीके से हम मैगनेट करेंगे इसे और छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अंडा फीट रखा है, अंडा ले लेंगे आपका, ये हमने अंडा डाल दिया इस पर। ठीक है, हमने उसमें डाल दिया लाल मिर्च का पेस्ट, ये आपका सिचुअन पेस्ट, सॉल्ट, ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया इस पर, आपका नमक। इसका नमक ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर और आपका मैदा, हमने ऐड कर दिया इस पर चिकन 65 में। हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे और इस तरीके से मैगनेट करेंगे चिकन को। इस तरीके से हमने मैगनेट बनाना है। ठीक है, चिकन का इतने इतने आँच में हमने इसे पकाना है और कितने देर पकाना है वो दिखाता हूँ, और किस तरीके से तेल बनाना है। इस तरीके से हमने चिकन की डिश इसमें डाल देंगे। कुछ हाफ डाउन निकालना है इसका, हमने मिर्ची काट ली इसे, इस तरीके से हमें लाल मिर्च काट ली, ज़्यादा नहीं करेंगे, साउथ इंडियन स्टाइल में क्या थोड़ा लाल मिर्च का रहता ही है चिकन में। इस तरीके से हमें 4-5 आपके लाल मिर्च काट कर रखते हैं, लहसुन हमने कटाई है और एक हरी मिर्च, इस तरीके से हम उसे काटते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चिकन फ्राई, इसे हम हाफ डाउन निकाल देंगे इस तरीके से, और गैस को स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे। आपका फ्राई पैन लेंगे थोड़ा सा, इसमें हल्का सा आपका ऑयल डालेंगे, इस तरीके से हम ऑयल डालेंगे इसमें, आपका लहसुन डालेंगे इसमें, जिंजर, आपका अदरक, और अदरक डालने के बाद हमें थोड़ा आपका करेंगे आराम से ब्राउन अदरक, ये साउथ इंडियन खाना बन रहा है, साउथ इंडियन चिकन बन रहा है, तो इसमें कड़ी पत्ता इस तरीके से डालते हैं, आपके 8 से 9 कड़ी पत्ता फ्लेवर की। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सरसों दाना डाल दिए इसमें, और उसके बाद जो हमने लाल मिर्च काटी हुई थी वो हमने डाल दी इसमें, और आपकी हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दी, ऐसे घुमा देंगे। मेरे को क्या है ना, टैंगी स्टाइल बड़ा पसंद है, तो मैं हल्का सा इसमें टमाटो केचप ऐड कर दूंगा। आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डाल सकते, आप मत डालिए इसमें। इससे क्या बात होती है कि मैं दोनों टेस्ट मिल जाता है, या तो खट्टा भी मिल जाता है तो स्वीट पन भी आ जाता है। लाल मिर्च का जो टेस्ट बनाया था हमने वो डाल दिया। कोकोनट, अब आपको पता ही है मेरे को भाई साउथ इंडियन खाना बड़ा पसंद है, तो मैं ऐसा इसमें कोकोनट का मिक्सर डाल दूँगा। ये हमारा 3 ग्राम हो गया, हमने हाफ डाउन चिकन निकाला था, फुल डाउन के लिए डाल दिया, चिकन हो गया फुल डाउन, तो हम इसे अब चिकन डाल देंगे इसे।
थोड़ा सा सॉल्ट, आपका नमक डाल दिया इसमें हल्का सा। हमें नमक डालने के बाद इसे डाल देना चिकन 65। अब हम इसकी प्लेटिंग कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे इस तरीके से। हमने चिकन साइस में देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, कोकोनट का फ्लेवर, बाकी आपका कड़ी फ्लेवर, पूरा फुल फुल साउथ इंडियन फ्लेवर है चिकन। ये हमारा चिकन 65 प्लेटिंग में रेडी हो चुका है। मैंने चिकन 65 रेडी कर चुका हूँ, तो सॉरी चाहता हूँ इस बीच में मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने यार क्या है कि थोड़ा होटल की प्रॉब्लम की वजह से या खुद अपनी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज आपके लिए नई नई रेसिपी आपके लिए आती रहेगी, वेज हो या नॉन वेज हो। इसी वाली वीडियो में क्या था कि मैं वेज रेसिपी डाल रहा था अभी, अब आपको सारी रेसिपी मिलेंगी वेज नॉन वेज। आपको किस में कोई चीज़ सीखनी है, नॉन वेज में कोई चीज़ सीखनी है, या आपको वेज में कोई चीज़ सीखनी है, तो आप मुझे बताइए मैं आपके लिए रेसिपी ले आऊँ। बाकी अपना प्यार देते रहिए, समझ आता हूँ उसके लिए गाइस कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कोई इस वीक में, सॉरी, थैंक यू। बाकी ऐसा अपना सपोर्ट करते रहिए।